मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। भाई साहब, काजी साहब आ गए, निकाह शुरू करें। हाँ बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ हेलो, फैजान साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर आयशा बात कर रही हूँ। आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत सीरियस कंडीशन में। क्या जी, आप फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। मलिया, 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 क्या हुआ मलिया? मलिया क्या हुआ? बोलो। डॉक्टर। मेरे पास नहीं है। नहीं मलिया, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो प्लीज। मलिया क्या हुआ बोलो। मैंने कई बार सच बताने की कोशिश की, अगर आज तो नहीं जान से नहीं मलिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें मलिया। हाँ क्या हुआ मुन्ना साहब को? तुम्हारे हाँ क्या कह रहे हो? किसकी बेटी है मलिया? बताओ किसकी बेटी है, किसका खून है मलिया? मलिया मुनज़्ज़फ़ फैज़ान शाह वल फैज़ान शाह, आपका निकाह शहरोज़ फर्रुख वल फर्रुख आलम से मुबलिक 11 लाख रुपए हक मेहर के एवज सिक्का रायजुल वक्त पाकिस्तानी के तय किया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब, निकाहनामे में वलीयत के खाने से मेरा नाम खारिज कर दीजिए। मुनज़्ज़फ़ मेरी बेटी नहीं है और ना ही मैं इसका बाप हूं। फिजान,
ये क्या कह रहे हो? होश में तो हो? भरी महफिल में हमारी इज्जत का तमाशा बना रहे हो? I'm sorry बीजान, मगर ये सच है कि मुनज़्ज़ा मेरी बेटी नहीं है। ये सब धोखा है, फरेब है। आज तक जिस झूठ को मैं सच समझकर जीता रहा हूं, वो इस तरह मेरे सामने आया कि मैं खुद को अब तमाशा लगने लगा। फैजान, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और मुनज़्ज़ा के बारे में क्या तुम ऑल फॉल कह रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो मलिया भाभी को लेने गए थे ना, कहां है वो? जिस औरत को मैं मुर्दा हालत में हॉस्पिटल में छोड़कर आया हूं, वो मेरी बीवी नहीं, वो मुनज़्ज़ा की मां है, इसकी मां है। फैजान मर गया, फैजान मर गया, फैजान बारात वापस जाएगी, अब ये शादी नहीं हो सकती। चलो शेरोस। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? अब ये लड़की किसी सूरत मेरी बहू नहीं बन सकती। चलो शेरोस। अंसा बेटा, तुम क्या कह रही हो? फिजाम तो होश में नहीं है, तुम्हें तो समझना चाहिए। माफ कीजिएगा बीजा, लेकिन जानबूझकर जहर का प्याला हलक से उतारना कोई समझदारी नहीं है। जिस लड़की के नाम के साथ उसकी शनाख्त ना हो, उसे मैं अपनी बहू बना लूंगी, ये आप सोच भी कैसे सकती हैं? चलो शेरोज। सॉरी मॉम, मुझे मुनज़्ज़ा से कल भी मोहब्बत थी, आज भी मोहब्बत है और हमेशा रहेगी। ये शादी होगी, ये शादी जरूर होगी। मुझे मुनज़्ज़ा हर सच के साथ कबूल है माँ। क्या तुम इस लड़की के लिए हमारी इज्जत से खेलोगे, मेरे खिलाफ जाओगे? फरुख, सुना आपने? ये कितनी ढिठाई से अपनी मोहब्बत का दम भर है। इसे कहिए अभी इसी वक्त यहाँ से जाए, वरना इसे अपनी खुशियों की कीमत मेरी मौत से चुकानी होगी। देखती हूं मैं, तुम इसे ब्याकर घर लाते हो या मेरी मैयत को कांधा देकर घर से रुखसत करते हो। चलो बेटा, जल्दी से ये कॉफी पियो ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। थैंक यू बाबा। कॉफी आपने खुद बनाई है? हाँ, मैंने अपने हाथ से बनाई है और अपने सामने तुम्हें पिलाऊंगा। और सुनो, आज के बाद तुम स्विमिंग नहीं करोगी, मौसम कितना खराब है। पापा, आप मेरे लिए कितना परेशान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मुझे नजर आ रहा है तुम कितनी ठीक हो। और मेरी तो समझ में नहीं आता कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी माँ क्या करती। जब मामा आपके सामने नहीं होती ना, तभी आप ऐसी बातें करते। जैसे ही सामने आती हैं आपकी तो अच्छा, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। आप मामा से कितना प्यार करते हैं। हाँ, बहुत। मलिया ने मेरी जिंदगी की हर कमी को पूरा किया है, वो एक मिसाली औरत है। जिंदगी में सुकून क्या होता है ये उसने मुझे सिखाया है।
आई लव यू सो मच बाबा। अरे ये यहीं पे सो गई? आहिस्ता आराम कर रही है। कि जब तक यहाँ सोती रहेगी तो क्या आप इसी तरह बैठे रहेंगे? इसकी खातिर मुझे सारी जिंदगी यहाँ बैठना पड़े ना, तो बैठा रहूंगा। बाबा आई लव यू सो मच। मैं तो समझा तुम्हारी आंख लग गई थी। जब मैं आपके साथ होती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत सेफ महसूस करती। चल जाके तुम अपने कमरे में आराम करो। मैंने नहीं जाना। ठीक है बेटा, नहीं जाना बिल्कुल। आप जाएं, आप आराम करें। तुम बाप बेटी की मोहब्बत क्या कि तुम्हें हारी, इतना ना चाहो एक दूसरे को कि जुदा होना पड़े तो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सको। निकाहनामे में बल्दियत के खाने से मेरा नाम खारिज कर दीजिए। मुनज़्ज़ा मेरी बेटी नहीं है और ना ही मैं इसका बाप हूं। मैयत उठने को तैयार है फैजान, इस आखिरी वक्त में भाभी की मैयत को कंधा नहीं दोगे? औरत मेरे घर से मेरे नाम के साथ रुखसत हो रही है, ये कर्ज है उस पर मेरा। अब उसकी यादों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं और ना ही उसकी किसी निशानी से मेरा कोई मतलब है। इतनी नफरत? अरे उस औरत से जिसने जिंदगी भर तुम्हारे घर को जन्नत बनाया। मत करो फैजान ऐसा। अब मेरे घाव और मेरे जख्म, मेरे अंदर जो शोर तारी है उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही। नहीं तलहत, नहीं, मैं अपनी बर्दाश्त को थपकी देकर नहीं सुला सकता। मलिया ने जो मेरे साथ किया है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। वीरान खंडरों में जो आवाज घूमती है उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है कि मुनज़्ज़ा मेरी बेटी नहीं है, नहीं हूं मैं उसका बाप। वो गुनाहों का ऐसा बोझ है जो सालों अपने सीने तक सहती रही और जाते जाते मेरे कंधों पर डाल गई। मुनज़्ज़ा से मेरा रिश्ता उस उलझी हुई डोर की तरह हो गया कि उसे सुलझाने के लिए मुझे उसे काटना पड़ेगा। मलिया के जनाजे को मेरे कंधों से ज्यादा बख्शीश की दुआओं की जरूरत है। उससे मुझे बहुत दुख थी है ना ही सवाल करने का मौका। मैं उसके साकत जिस्म को झिंझोड़ता रहा और वो खामोश हो गई। अब ये सोच करके वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उसके लिए दुआ करूं? कभी नहीं, कभी नहीं तलत, कभी नहीं। ये आंखें रोएंगी जरूर उसकी जुदाई पर, नहीं उसकी बेवफाई पर। ये दिल तड़पेगा जरूर उसकी यादों में, नहीं उसकी आखिरी कही हुई बातों के। मुनज़्ज़ा मेरी बेटी नहीं। ये कहते हुए बहुत अच्छा लगता है ना कि खुद को संभालो, लेकिन तलत मैं तो बिखर गया हूं, बिखर गया हूं मैं। इससे पहले कि मैं अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठूं, प्लीज जाकर उसे दफना दो। जाओ प्लीज। जनाजा उठाने का वक्त हो गया। जिसके पास तुम जैसी समझदार बीवी हो, प्यार करने वाली बेटी हो, दुआ करने वाली मां हो, उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करते। Oh, my God.
मुझे दुनियादारी मत सिखाइए फरो। एक भाई के दर्द को बहन से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। क्या नहीं दिया था फैजान भाई ने मलिया भाभी को, घर बार पूरा सारी जिंदगी, प्यार, भरोसा, आजादी, और उसी आजादी का कितना उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। सारी जिंदगी उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया कि मुनज़्ज़ा हमारे खानदान का खून नहीं है। इतनी बड़ी बात छुपाई उन्होंने, कसम खुदा का जहन्नुम की आग में जलती हैं ऐसी औरतें। खुदा के गजब से डरो, मरने वाले के पीछे बुराई करना कुफर से कम नहीं। खुदा ही जानता है कौन बेगुनाह है और कौन गुनाहगार। मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता फरुख। पता नहीं मलिया भाभी के दिल में क्या है कि जाते जाते उन्होंने फैजान भाई के आगे सर झुका दिया, वरना मेरे भाई तो सारी जिंदगी मुनज़्ज़ा को अपने सीने से लगाए रखते। काश ये रास रास ही रहता, मुनज़्ज़ा पे जो पहाड़ टूटा है वो तो ना टूटता। फैजान की तरह तुमने भी मलिया भाभी के एतराफ पे यकीन कर लिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि इस राज से पर्दा उठाने के पीछे मकसद क्या था, आखिर क्या था कि वो फैजान का यकीन हासिल करना चाहती थी। अंसा, वो ये राज सीने में लेके मर भी सकती थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। सच सामने आया मगर अधूरा बन के। बात कुछ और मालूम होती है। अरे छोड़े, एतराफ़े गुनाह उन्होंने सिर्फ अपनी मगफरत का दरवाजा खोलने के लिए किया था और बस। मेरे भाई पे क्या गुजर रही होगी। फिजान, जाकर अपने बेड पर लेटो। और वैसे भी तुम्हारी फिक्र करने वाली मलिया अब तुम्हें उठाने नहीं आएगी। वो मलिया जिसने तुम्हारे सुख की खातिर अपने सुख की परवाह नहीं की, तुम इतनी जल्दी से फरामोश कर दोगे? यकीन नहीं आता। आखिरी वक्त में तुमने उसकी सूरत देखकर अपनी नफरत तो साबित कर दी, लेकिन मैं उस नफरत की आग को नजर तक नहीं पहुंचने दूंगी। तुम उसे बेटी कबूल करो या ना करो, लेकिन मैं उसकी दादी हूं। इतने अरसे वो मुझे दादी तुम्हें बाप कहती रही है, क्या तुम ये फरामोश कर सकोगे? आपको शायद मलिया का सदमा है। अब जाकर आराम कीजिए, मुझे अकेला छोड़ दें। मलिया, मुनज़्ज़ा के साथ जो तुमने सलूक किया है उसके बाद तो तुम अकेले ही रह जाओगे। मेरी बच्ची अपनी माँ का आंचल छिनने पर सारों कतार रोती रही, लेकिन उसको बाप के कंधे का सहारा ना मिला। उसकी बारात आई, घर से लौट गई, सब तुम्हारी वजह से। जिस बेटी की सूरत देखकर तुम घर से नहीं निकलते थे, आज इस कमरे में बंद होकर बैठे हो ताकि उसकी सूरत नजर ना आए। हाँ, मुझे नफरत है उसकी सूरत से। उसकी सूरत देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि उसकी मां ने कितना बड़ा धोखा किया मुझसे। दुनिया का कितना बड़ा बेवकूफ इंसान बन गया हूं मैं। अब तो उसका वजूद भी नाकाबले बर्दाश्त है। नफरत है मुझे उससे, नफरत।
मुनज्जा मेरी बेटी नहीं है और ना ही मैं इसका बाप हूं। जिस औरत को मैं मुर्दा हालत में हॉस्पिटल में छोड़कर आया हूं वो मेरी बीवी नहीं, वो मुनज्जा की मां है, इसकी मां है। आज तक जिस झूठ को मैं सच समझकर जीता रहा हूं वो इस तरह मेरे सामने आया कि मैं खुद को अब तमाशा लगने लगा। जिस लड़की के नाम के साथ उसकी शनाख्त ना हो उसे मैं अपनी बहू बना लूंगी, ये आप सोच भी कैसे सकती हैं? मुझे एक बात बताओ, कब तक यूं रोती रहोगी? अभी अभी मुझे छोड़ के चली गई शहनाज, अभी मुझे शहनाज अभी बाबा भी मुझे बातें कर रहे, बाबा भी मुझे बातें कर रहे, मुझे मर जाने दो। प्लीज मुझे क्या हो गया तुम्हें? सीधी बात सुनो मेरी, पहले मेरी बात सुनो। देखो वक्त हमें आजमा रहा है मुनज़्ज़ा, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। देखो वो तुम्हारे बाबा है, तुम्हें उनसे कोई दूर नहीं कर सकता, वो खुद भी नहीं कर सकते। बस यूं समझो कि ये एक डरावना ख्वाब था जिसकी कोई हकीकत नहीं है। और तुम्हारे लिए तो मैं दुनिया से क्या किस्मत से भी लड़ पड़ूंगा। तुमने ये सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं कैसे जीऊंगा? सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, मेरी रिक्वेस्ट है, मत रो। बात करो मुझे, कहो कि मैं उनकी बेटी हूं, उनके सिवा मेरे दुनिया में कोई नहीं। मैं बात करूंगा, बस तुम आंसू साफ करो, चलो अब नहीं रोना। मैं बात करूंगा ना, उस लड़की के गम में तुम ये भूल गए हो कि घर में तुम्हारी एक माँ भी है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मॉम क्या वाकई आपको मेरा इंतजार था? या आपको इस बात की फिक्र थी कि मैं मुनज़्ज़ा के साथ क्यों हूँ? हाँ मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ अब टाइम गुजारो। जब फैजान भाई जैसे नर्म दिल इंसान ने उससे कतई ताल्लुक कर लिया तो तुम्हें क्या पड़ी है उसके आंसू पोंछने की? मुनज़्ज़ा वही लड़की है जिसको आप अपनी बहू बनाना चाहती थी। चाहती थी लेकिन अब उसको अपनी बहू बनाकर मैं दुनिया भर की मुखालफत नहीं मोल ले सकती। तुम भूल गए फैजान भाई ने भरी महफिल में क्या कहा उसके बारे में? तुम उस लड़की को इज्जत देना चाहते हो जो सर से पैर तक जिल्लत ही जिल्लत। मॉम प्लीज, मुनज़्ज़ा से मेरा रिश्ता खत्म करवा के मेरी शादी तोड़वा के आपको सुकून नहीं मिला जो अभी भी आप जहर उगल रही हैं उसके लिए? तुम उस लड़की की मोहब्बत में अंधे हो चुके हो। जी ना सिर्फ अंधा हुआ हूं बल्कि बहरा भी हो जाना चाहता हूं ताकि मैं उसके खिलाफ कही जाने वाली कोई भी बात ना सुन सकूं।
तुम यहां क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे तुम्हारे चेहरे से नफरत है, चले जाओ यहां से। पापा, अब इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं हमारे दरमियान, समझियो तुम? तुम मलिया की बेटी हो, मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूं। इसे तुम मेरी मजबूरी समझो या मेरी सफाकी। मैं तुम्हारी मां के गुनाह को अपना नाम नहीं दे सकता। और याद रखना, मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखना। मुझे तुमसे खौफ आता है, खौफ भी नहीं, मुझे मुझे तुमसे नफरत है। तुम चली जाओ और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ, जाओ यहां से। हाँ, बट क्या मुनज़्ज़ा से बात किए बगैर तुम्हारे हलक से नाश्ता नहीं उतरेगा? चलो चल के नाश्ता करो। मुझे भूख नहीं है। क्यों? मुनज़्ज़ा के गम में क्या तुम खाना पीना भूल गए हो? मुझे मुनज़्ज़ा ना मिली मैं जीना भी छोड़ दूंगा मामा। क्या क्या कहा तुमने? धमकी दे रहे हो मुझे? आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में कि तुम अपनी माँ का लिहाज भी भूल गए हो? देखो शहरोज, मुझे मुनज़्ज़ा से मजीद नफरत करने पर मजबूर मत करो। मुनज़्ज़ा से ज्यादा हक है मेरा तुम पर। और इसी हक का इस्तेमाल करके आपने मुझसे मेरी खुशियां छीनी। मुनज़्ज़ा मेरे लिए क्या है ये सच जानकर भी आप मुझे उससे दूर होने का कह रही हैं। आपका हक मुझ पर मेरी खुशियां छीनने के लिए है, मुझे खुशियां देने के लिए नहीं है? शहरोज़, आई एम सॉरी मम, लेकिन ये तो सरासर खुदगर्ज़ी है। I'm sorry to say, मामा, आपने मुनज़्ज़ा के साथ तो गलत किया ही है, अगर आपने मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। मुनज़्ज़ा, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? पापा को क्या हो गया दादी? वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगी? मेरा क्या कसूर है दादी? तुम्हारा कोई कसूर? तुम इतनी मासूम हो, तुम किसी का दिल कैसे दुखा सकती? मुझ पे तो किस्मत रो रही है दादी। बाबा मेरी शक्ल ही देखना चाहते, पापा मुझसे नफरत करने लगी है। रिश्तों की बेरुखी मैं नहीं देख सकती दादी, मैं नहीं देख सकती। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? नहीं मेरी बच्ची, खबरदार जो तुमने कहीं जाने की बात भी की तो तुम्हें किसी की बातों पे कान धरने की जरूरत नहीं है। मुनज़्ज़ा, ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम फिजान की बेटी हो और यही हकीकत है, यही सच है। और मुझे खुदा पाक की जात से पूरी उम्मीद है कि जो हालात आजकल हैं वो कल जरूर बदल जाएंगे और सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। सच दादी? बिल्कुल मेरा बच्चा, कुदरत का कानून किसी से भी इंसाफी नहीं करता। अब तुम मत रो, ठीक है? बस अब रोने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जवान बेटे पे सख्ती अच्छी नहीं होती अंसा। शहरोज कोई बच्चा नहीं है कि तुम उसे खिलौना दो और वो बहल जाए। तो आप क्या चाहते हैं फारूक? शहरोज की शादी मुनज़्ज़ा से करने पर मैं हंसी खुशी राजी हो जाऊं? नहीं फारूक, ऐसा नहीं हो सकता। अगर शहरोज देती है तो मैं भी उसकी माँ हूँ, उसे मुनज़्ज़ा को भूलना होगा। तो यूं कहो ना, तुमने बेटे को खोने का पक्का इरादा कर लिया है। फारूक, आप शहरोज को समझाने के बजाय मुझे कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझ आई शहरोज को शायद किससे मिल रही है।
कि आप दोनों बाप बेटे मिलके जो मंसूबा बना रहे हैं ना, मेरे जीते जी कभी कामयाब नहीं होगा। ओहो अनसा, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम मुनज़्ज़ा को अपनी बहू बनाओ, लेकिन मौके की मुनासबत कुछ समझो। ये वक्त सब्र से काम लेने का है। शहरोज पे बेजा रोक टोक उसे मुनज़्ज़ा से नहीं तुमसे दूर कर देगी। देखो तुम समझने की कोशिश करो, बचपन से वो साथ खेल कूद के बड़े हुए हैं, उनको इस वक्त हमारी हमदर्दी की जरूरत है। अगर वो मुनज़्ज़ा का साथ देना चाहता है, उसका दर्द बांटना चाहता है, तो उसमें किसी का क्या जाता है? मेरा ही बेटा रह गया उसका दर्द बांटने के लिए? इस तरह तो मुनज़्ज़ा उसकी कमजोरी बनकर रह जाएगी। आप उसे समझा दीजिए फरो। वो औरत जिसकी बेवफाई की वजह से मेरा भाई टूटकर बिखर गया, उस औरत की बेटी का साया भी मैं अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। कह दीजिएगा उससे। मुझे तुम्हारे चेहरे से नफरत है। तुम मलिया की बेटी हो, मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूं। मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखना, मुझे तुमसे खौफ आता है। तुम चली जाओ और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ जाओ यहां से। मलिया बताओ किसकी बेटी है, किसका खून है? मलिया मलिया यहां साइन कर दीजिए प्लीज। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे जर्मनी के टेंडर की बात की थी? अगर हम उस टेंडर को भर देते हैं तो हमारी कंपनी को करोड़ों का फायदा हो सकता है। तो मसला क्या है? मैंने सोचा कि तुमसे डिस्कस कर लूं। क्या हो गया तलत? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इतना अरसा हो गया तुम्हें इस कंपनी में काम करते हुए, अच्छी पे लेते हो, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, और फिर एक डिसीजन के लिए तुम मेरा वेट कर रहे हो? कम एंड गो एंड डू इट। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आई थिंक यू आर स्ट्रेस्ड आउट। ठीक है, मैं से देख लेता हूं। मासूम चेहरे के पीछे आपने इतना बड़ा सच छुपाया मामा? आपने मेरे बाबा को दुख दिया? क्यों मामा? आप तो चली गई हमेशा के लिए, मगर मेरे पापा, इनका क्या कसूर था? उन्हें तकलीफ देकर आपकी रूह भी चैन से नहीं रह पाएगी मामा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। क्यों प्यार के रिश्ते टूट गए मेरे बाबा मुझसे रो